इस समय पर हम आपको हिंदी साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों के विषय में बता रहे हैं। जैसे कि शब्द हमारे जो होते हैं मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जो हमारे विकारी शब्द होते हैं उनमें विकार उत्पन्न किया जाता है, और अविकारी शब्द वे कहलाते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन न किया जा सके, कर्ता, क्रिया, कर्म, लिंग आदि के आधार पर। इनमें क्या होता है, हमारा शब्द के आधार पर इनके तीन एक भाग बांटे जाते हैं। जो होता है हमारा रूढ़ शब्द, और योग रूढ़ शब्द तथा यौगिक शब्द। ये इसके शब्द के मूल रूप से तीन आपके ये भेद किए जाते हैं। इन्हें ये रूढ़ क्या है, रूढ़ का मतलब होता है किसी भी एक ही शब्द पर एक ही अर्थ का आरूढ़ होना, रूढ़ शब्द कहलाता है। जिसका तात्पर्य ये होता है कि अर्थात ये कैसा शब्द होगा, इसमें किसी भी तरह से हम अर्थ या शब्दगत विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर हमने कहा हाथी, तो हाथी का मतलब जो होता है वो हाथी ही होता है, इसमें हम किसी और शब्द को प्रयुक्त या इसे अर्थ में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। हाथी को अगर हमने ई की मात्रा हटा दी और कर दे हाथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने शब्द में विकार पैदा किया तुरंत इसका अर्थ बदल गया। तो अब पहले जो अर्थ था वो अर्थ अब नहीं रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे शब्दों में यदि हमने जरा सा भी विकार उत्पन्न किया तो या तो उसका अर्थ बदल जाएगा अथवा अर्थ ही नष्ट हो जाएगा। जैसे अंगूर, अंगूर का मतलब सिर्फ अंगूर ही होता है, अंगूर का मतलब कुछ और भी नहीं होता है। जैसे हाथ का मतलब सिर्फ हाथ है, हाथ का मतलब कुछ और नहीं है। हाथ कहते ही शरीर के जिस अंग को का आपके अंदर विचार आया, सबके अंदर वही विचार आया होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब एक शब्द पर एक ही अर्थ का आरूढ़ होना रूढ़ शब्द कहलाता है। रूढ़ शब्द क्या कहलाता है, एक ही शब्द पर एक ही बोलो अर्थ का आरूढ़ होना रूढ़ शब्द कहलाता है। तो रूढ़ का मतलब समझ गए। इसी तरह से अगर हम कहें कुत्ता, तो कुत्ता का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक वही जानवर सबके दिमाग में आया होगा कि जिसकी एक पूंछ होती है, चार पैर होते हैं, दो कान होते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में कुत्ता कहने पर गाय नहीं आई होगी, या ही थी गाय कहने पर अब गाय ही नजर आ रही है, लेकिन आकार प्रकार में गिनती में सारी चीजें वही है, दो आंखें, दो कान, एक पूंछ, चार पैर, लेकिन कुत्ता पर ध्यान गया और गाय पे गाय पर। तो इसका मतलब एक शब्द ऐसा है कि जिस पर एक ही अर्थ आरूढ़ है और वही अर्थ दिमाग में आ रहा है। योग रूढ़, योग रूढ़ क्या कह रहा है, योग धन रूढ़। योग का तात्पर्य होता है जुड़ना, योग का तात्पर्य क्या होता है, जुड़ना। और रूढ़ का मतलब पूर्ववत है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि रूढ़ माने क्या होता है, एक अर्थ पर, एक शब्द पर एक ही अर्थ का प्रतिस्थापित होना, आरूढ़ होना। तो योग कह रहा है जुड़ना, अर्थात यहां पर शब्द कैसे होंगे जो जुड़कर बनेगा, लेकिन अर्थ एक ही होगा। पहले क्या था, शब्द भी अकेला था और अर्थ भी, इस बार क्या हो रहा है, शब्द दो होंगे अर्थ सिर्फ एक होगा, अर्थ पूर्ववत एक रहेगा। तो ऐसे शब्द कैसे होते हैं, जैसे, जैसे अगर कहा जाए पंक धन ज, पंक माने कीचड़ होता है और ज माने होता है जन्म लेना, अर्थात कीचड़ से जन्म लेना। अगर हम इसको मिला दें तो दो शब्दों का योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक पंक है और एक ज है, दो को हमने जोड़ा, योग, योग शब्द कह रहा है योग करने को, तो हमने योग कर दिया इन दोनों का, ठीक है, क्या कर दिया हमने, पंकज बना दिया। अब रूढ़ शब्द क्या कह रहा है, एक ही अर्थ को आरूढ़ करना है, क्योंकि कीचड़ से कमल भी खिलता है और केचुए भी निकलते हैं, कछुआ भी पैदा होता है, भसीड़ा भी पैदा होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। पंकज का मतलब सिर्फ और सिर्फ कमल है, पंकज बराबर कमल। अच्छा, अगर यही पर हम थोड़ा सा और बदल कर देख लें, जल धन ज, तो क्या हुआ, ये जलज हुआ, जलज माने जल से उत्पन्न, जल से भी बहुत सी चीजें उत्पन्न होती हैं, मछली होती है, मोती आते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जल से उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम केवल और केवल जलज शब्द किसके लिए आरूढ़ कर चुके हैं, कमल के लिए आरूढ़ कर रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए दशानन, दस धन आनन,
तो अब ये क्या है, दस सर वाला, लेकिन दस सर किसके लिए, हम किसके लिए प्रयोग करते हैं इसे? केवल रावण के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं। अगर हम कहें चतुर्भुज, चतुर्भुज, तो ये क्या होगा, चतुर्भुज बन जाएगा, चतुर्भुज। तो यहां पर ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, केवल और केवल विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है, जबकि चार भुजाएं अन्य देवताओं की भी हैं, जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिनका, अर्थात कृष्ण जी, तो ये पीतांबर कोई भी ओढ़ सकता है, लेकिन केवल किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, कृष्ण जी। तो इसका मतलब ऐसे शब्द हैं जो जुड़कर बने हैं, किसी एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सारे के सारे उदाहरण क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बहुव्रीहि समास की ओर जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको उदाहरण से परिभाषित किया कि योग और रूढ़, जुड़ना और जुड़कर एक नए अर्थ को प्रदर्शित करना, तो यही नियम कहा जाता है बहुव्रीहि समास में। इसका मतलब बहुव्रीहि समास के उदाहरण इधर और इधर के उदाहरण बहुव्रीहि समास में जाएंगे, तो दो चीजें हमारी पक्की हो रही है एक ही चीज को अध्ययन करने से। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होता है, यौगिक का मतलब होता है एक मिश्रण, कोई भी चीज मिलजुल कर तैयार होना। कैसे तैयार होना, मिलजुल। लेकिन जब कोई भी चीज मिलजुल कर तैयार की जाती है तो दोनों का वर्चस्व बना रहता है। ठीक है, जो पूर्ववत है वो भी और जो बाद में आया वो भी। तो यौगिक माने दो शब्द मिलकर बनेंगे और अर्थ भी कैसा रहेगा, अर्थ के विषय में रूढ़ शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब अर्थ भी उसका पूर्ववत ही रहेगा। जैसे अगर कहा जाए रसोई, कहा गया रसोई और इधर कहा घर, तो रसोई का मतलब क्या होता है, जहां पर रसोई का मतलब है पकवान, कहा रसोई तैयार है का मतलब क्या हुआ, पकवान तैयार है, भोजन तैयार है, और घर का मतलब जहां पर रहा जाता है, तो रसोई घर का मतलब जहां पर भोजन रहता है अथवा भोजन सामग्री रहती है अथवा भोजन को पकाया और बनाया जाता है। तो पूर्ववत रसोई का मतलब भी रसोई रहा, घर का मतलब भी घर रहा, जब हमने एक में कर दिया इसे रसोई घर कर दिया, क्या कर दिया, रसोई घर बना दिया, तब भी इसका अर्थ पहले जैसा ही रहा। लेकिन अब क्या हो गया, इसको अगर हम विग्रह के रूप में देखें तो रसोई के लिए घर, किसके लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इसका मतलब ये कहां जा रहा है, ये तत्पुरुष समास में जा रहा है। इसका मतलब इसके उदाहरण ज्यादा से ज्यादा ऐसे होंगे जो हमारे तत्पुरुष समास में रहते होंगे। जैसे और देखते हैं, जैसे साबुन दानी, अब साबुन और दानी को आपस में मिलाया तो क्या बना, साबुन दानी, अर्थात दानी किसके लिए, मतलब एक पात्र, दानी का मतलब पात्र, पात्र किसके लिए है, साबुन के लिए, साबुन को रखने के लिए, तो ये भी कहां गया, तत्पुरुष समास में गया, और जो अर्थ पहले था वही अर्थ। इस प्रकार से रूढ़ शब्द कहां होता है, जहां पर एक ही शब्द पर एक ही अर्थ, रूढ़ वहां कौन सा शब्द होता है, रूढ़ शब्द, जहां पर दो शब्द आपस में जुड़कर बने और नए अर्थ को प्रदर्शित करें वो क्या होता है, रूढ़ होता है। जहां पर दो शब्द आपस में जुड़कर बने लेकिन कोई भी विकार उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं, योगी। धन्यवाद।